ये अनिल भाई का है, ये मेरा है और ये अन्नू का है भाई। बहुत सारे पटाखे लेके जा रही भाई। आज तो छोटी दिवाली है, बड़ी तो कल है। बिट्टू भाई हैप्पी दिवाली। बोलो भाई हैप्पी दिवाली। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल दिवाली हमने नहीं बनाने। अच्छा दिवाली के दिन इन्होंने पकोड़े नहीं बनाने भाई। वन टू थ्री। कर भी ना चाहे कर जो मन मानी मन ना माने मिली जो ये जो याद में रखे। तो चलिए सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मम्मी लेके आ चुकी है चाय, जो कि 5 गिलास दी है भाई मम्मी ने आज, क्योंकि हमारे घर पे मेहमान आ रखे ना। हेलो भाई। हेलो, चाय कौन कौन पिएगा? तो यहाँ पे सुमित भाई सो रखे है, बगल में अन्न सो रखे है और यहाँ आशीष सो रखे है सपना का भाई, और इधर अंकी का भाई सो रखे भाई। वो चाय ले ले, ऐसी चाय तूने कभी पी भी नहीं होगी। निरा दूध की चाय ले, कड़क चाय एकदम। उठ गए भाई ये सारे, नीचे निकालना, मैं कैसे निकालूं। तो चलिए चाय भी पी लिए, बाकी बाहर का मौसम देख लेते हैं। तो बाहर का मौसम जो है वो देखो भाई, सामने के पहाड़ों में ना मस्त सी धूप लग चुकी है। अभी कुछ इस टाइप से हमने कल रात को लड़ियां लगाई थी और ये लड़ियां लगाने में 2 घंटे लगे थे हमें। बाकी जिस टाइम हमने ये चेक की थी उस टाइम तो सारी जल रही थी, और जब हमने लगाई तो कुछ कुछ नहीं जल रही है भाई इनमें से, जैसे ये वाली भी नहीं जल रही और साथ में मेन तो ये वाली नहीं जल रही भाई। बाकी पिछले साल हमने कम लड़ियां लगाई थी और इस टाइम हमने ज्यादा लड़ियां लगाई हैं। बाकी इस टाइम हमने बड़ी बड़ी वाली भी लगाई है भाई, पिछले साल हमने बड़ी वाली नहीं लगाई थी, सिर्फ ये छोटी छोटी लगाई थी भाई, ये आसान होती है भाई लगाने के लिए। तो गाइज फाइनली ड्यूटी के लिए रेडी भी हो चुका हूँ, तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के खूबसूरत गांव चागांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवी राणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी मौसम की बात करें तो मस्त सी धूप लग रखी है और सामने के पहाड़ भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का भी कंफर्म ही नहीं हुआ कि कल है या परसों है, बिकॉज हमारी जो छुट्टी है वो परसों है और काफी सारे लोगों की छुट्टी कल है भाई। तो सुबह चाय पीने के बाद अन्नु आशी और आशी तो घर चले गए थे, बाकी सुमित भाई अभी इधर ही है। तो सुमित भाई ब्रेकफास्ट करके मेरे साथ ही जाएगा भाई। तो चलिए किचन में भी आ चुके हैं और मम्मी ने खाना भी परोस दिया। तो मम्मी ने सब्जी कल रात की बासी सब्जी गर्म की है, जो कि 6 मिनट की सब्जी है और इसमें मम्मी ने प्याज डाले हैं, साथ में मम्मी ने अंडे उबाले हैं। तो वैसे मैंने बनाना शेक पीना था बट केले लाना भूल जाता हूँ भाई मैं मार्केट से। तो चलिए ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, बाकी सुमित भाई और मैं अब जा रहे हैं राहुल भाई लोगों घर पे। तो फाइनली राहुल भाई लोग घर पे पहुंच चुका हूँ और राहुल भाई मस्त नींद पूरी कर रहे हैं। आज राहुल भाई नीचे सो रखे, राहुल के जीजा जी आ रखे हैं, निक्की दी के हस्बैंड। बाकी ये मुंह ढका रहे हैं भाई, ये कैमरे में शर्मा रहे हैं। जय प्रणाम। अभी बोल रहे थे कि ब्लॉग बना और उसके बाद की मेरा मुंह नहीं धुल रखा। तो राहुल का भांजा भी आ चुका है जिसका नाम है आयु। और आयु क्या हाल चाल? बढ़िया। हाँ नमस्ते, कौन करेगा? हाँ प्रणाम। नमस्ते पाँव से। हाँ बहुत बढ़िया। बाकी यहाँ बैठी है भाई निक्की दी, दीदी प्रणाम। हेलो। और प्रणाम। और दीदी बना रही है यहाँ पकोड़े। वो भी एक कैसे बन रहे? किसको से बन रहे? ये इसको से बन रहे क्योंकि आजकल दिवाली हमने नहीं बनाने। अच्छा दिवाली के दिन इन्होंने पकोड़े नहीं बनाने भाई, क्योंकि हमारे कौन मर रखी है? ताई, ताई जी मर रखी है। मैंने ब्लॉग में बताया था कि हमारे गांव में एक दिन में 2-2 लोग एक्सपायर हुए थे, जिसकी वजह से एक त्योहार छोड़ते हैं और एक मनाते हैं। हाँ तो त्योहार के दिन पकोड़े नहीं बनेंगे तो इसलिए निक्की दी आज बना रही है भाई। चल ठीक है फिर मिलते हैं शाम को। बाकी सपना भी कल आ चुकी थी भाई, इसको शाम को मिलेंगे। ओके बाय बाय, मिलते हैं शाम को। हैं जा रहे तो अच्छा।
तो सुमित भाई को भी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, बाकी सुमित भाई ने यहाँ से ऊपर जाना है। ओके मिलते हैं शाम को। तो गाइस दिन के बज रहे हैं 1, तो हमारा चल रहा था लंच टाइम और सुबह मैंने बताया था कि आज है गबरू का बर्थडे, तो उसने मेरे को बोला था कि कोटी कॉलोनी जहाँ अच्छे समोसे बनते हैं ना, जहाँ से तू लेके आता है, तो वहाँ से ना समोसे लेके आना आज। तो अभी वहाँ ऑर्डर देने जा रहे हैं और जिस टाइम हम घर जाएंगे ड्यूटी से तो उस टाइम यहाँ से लेके जाएंगे भाई। तो अभी हम जा रहे हैं पहले CISF ऑफिस में जो कि ये वाला है, और उसके बाद हमने जाना है इस वाले रोड पे जिस शॉप में समोसे बनते हैं भाई। तो CISF ऑफिस से भी काम निपटा लिया है, बाकी अब चलते हैं समोसे वाली शॉप में और वहाँ समोसे का ऑर्डर देते हैं भाई। बाकी यहाँ देखो भाई सारी दुकानें भी सज रखी है, तो हमने जाना है वो जो शॉप दिख रही है वहाँ पे। तो शॉप तो वैसे खुली है भाई, हम सोच रहे थे पहले बंद ना हो आज बस। बाकी इन्होंने बाहर में मिठाई की दुकान लगा रखी है भाई, तो यहीं पे समोसे बनते हैं और इस टाइम ही बन रखे हैं, बट हमने ताजे ताजे बनवाने हैं। उनको बोलना है कि 5 बजे तक बना देना की। तो समोसों का ऑर्डर भी दे दिया है, बाकी उसने बोला कि 5 बजे जिस टाइम तुम जाओगे तो उस टाइम आ जाना, तब तक समोसे बन के रेडी हो जाएंगे और सीधा लेके चले जाना। तो अब हम जा रहे हैं ऑफिस के मेस में खाना खाने। आज मैं लंच लेके नहीं आया भाई, मुझे पता था कि आज भी हमने ऑफिस के मेस में ही खाना खाना है, बिकॉज आजकल हमेशा ही हम उधर खा रहे हैं भाई। और अनिल भाई वैसे मेरे को बोलता है नहीं, घर से तो खुद घर में मना कर देता कि लंच मत बनाना, और मेरे को कभी नहीं बताता कि ऑफिस में खाना है। तो गाइस दिन के बज रहे हैं 2, तो हमारा चल रहा है लंच टाइम, बाकी अभी हम आए ऑफिस के मेस में खाना खाने। तो आज बिट्टू भाई उठ रखा है भाई। बिट्टू भाई हैप्पी दिवाली। और बिट्टू भाई को पता नहीं था कि मैंने सच में ब्लॉग बनाया परसों है। बिट्टू भाई अब पता लग गया ना, ब्लॉग में डाला मैंने। तो आज के स्पेशल से लंच में है चिकन और साथ में पनीर और दाल और साथ में रोटियां। तो मैंने तो लंच कर लिया, बाकी अनिल भाई अभी लंच कर रहे हैं। तो लंच करने के बाद मैं मस्त बाहर में बैठ जाता हूँ भाई, और यहाँ पे ना मेरे को मस्त सुकून मिलता है भाई। चारों तरफ के नज़ारे यहाँ से काफी गजब के दिखाई देते हैं और मस्त सा सुकून आता है भाई यहाँ पे बैठने से। तो लंच करके जैसे ऑफिस में आए तो हमको देखो भाई एक गिफ्ट मिल चुका है। ये अनिल भाई का है, ये मेरा है, और ये अन्नू का है भाई। तो ये जो मिठाई है वो काजू कतली है। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 4, बाकी मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी से। तो पहले मैं बता रहा था कि हमारी जो छुट्टी कंफर्म हुई है वो 1 तारीख को कंफर्म हुई है, बाकी अभी सर ने हमको बताया कि कल छुट्टी है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी जल्दी घर चले जाता हूँ, बाकी पहले अभी मैं जा रहा हूँ कोटी मार्केट, बिकॉज दिन में आपने देखा होगा कि हम गए थे समोसों का ऑर्डर देने। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए पहुंच चुका हूं कोटी मार्केट में, बाकी अब पूछते हैं भाई समोसे बने कि नहीं बने। भैया बने बने, हाँ 15 जो मैंने बोलते बना दे यार थोड़ी जल्दी, आज छुट्टी जल्दी होगी ना, हमको पता नहीं था कल है छुट्टी, छुट्टी हमारी 1 को कंफर्म हुई थी ना। अभी मैं पहुंच चुका हूं पीपल डाली मार्केट में, बाकी आज यहां देखो भाई खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। बाकी मैंने जाना है गोलू भाई की शॉप पे, यहां हमने कल केक का ऑर्डर दिया था। तो चलिए केक भी यहां से ले लिया है, बाकी गोलू भाई आज बहुत बिजी हो रखा है भाई। गोलू भाई हैप्पी दिवाली। आज बहुत बिजी हो रखे भाई गोलू भाई। तो चलिए गाँव में पहुंच चुके हैं, हैप्पी बर्थडे। तो इसको इसका सामान दे देते भाई। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं घर में और शाम के बज रहे 5:30, तो आज हम सही टाइम पे घर पहुंच गए। बाकी अब चलता हूं अन्य लोगों घर पे, कल आपने देखा होगा कि उनकी जो लड़ी ला रखी थी वो एक ही साइड के लिए हो रही थी, बाकी आज उसने मेरे से पीपल डाली मार्केट से लड़ियां मंगाई थी, तो वो लड़ियां भी मैं लेके आ चुका हूं। तो वो बोल रही कि फटाफट आ जा और लड़ियां लगानी है। बाकी मम्मी को आज का गिफ्ट भी देते हैं जो मुझे ऑफिस से मिला है, फोन पापड़ी है। वो आपने देखा होगा कि एक लड़का मुझे देने आ रहा था, तो वो दूसरी कंपनी का था भाई, तो वो मुझे अच्छा मानते हैं। बाकी कल जो मिठाई मैं लेके आया था वो भी दूसरी कंपनी से मुझे मिला था, जो लोग मेरे को अच्छा मानते हैं मतलब, तो उन्होंने मेरे को दिया था। बाकी काजू कतली जो मिली है वो मुझे मेरे ऑफिस से मिली है भाई। तो मम्मी आज खेत से आने में बहुत लेट हो चुकी है, तो मम्मी बोल रही कि चाय ना अन्य लोगों के यहाँ पीना है, तो मम्मी अभी जा रही है दूध निकालने। तो चलिए अभी मैं पहुंच चुका हूँ अन्य लोगों घर पे, और ताई जी देखो भाई यहाँ झोपड़ी पे पेंट कर रही है। हाँ सही बात, बहुत बढ़िया।
बाकी ये यहाँ पे प्याज काट रही है भाई, इसने टमाटर भी मेरे से मंगाए थे बट मैं टमाटर लाना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। और एक बार फिर आपको हैप्पी बर्थडे, बाकी पहले घूमने चलता हूँ भाई। अब वो कहाँ है? बाकी मैं भी पहले घूमने चलता हूँ, उसके बाद ऊपर से मैं तार लेके आऊंगा ना, मैं तार लाना भूल गया था, मैं सिर्फ लड़ी लेके आया। कैसे टमाटर तू नहीं ला सकती, पाँव पे दर्द हो रहा है। तो अभी मैं आ चुका हूँ अन्य लोगों की दुकान पे, बाकी अन्य लोगों ने आज बाहर में पटाखे लगा रखे हैं, बाकी यहाँ पे सपना भी आ रखी है और ये बहुत सारे पटाखे लेके जा रही है भाई। आज तो छोटी दिवाली है, बड़ी तो कल है। तो हमारे भैया भी आ चुके हैं, वेज बना और ठीक ठाक भाई। तो अभी हम आ चुके हैं राहुल भाई लोगों घर पे, बाकी राहुल भाई लोगों ने भी लड़ियां लगा दी है आज, बाकी ताई जी यहाँ पे बैठ रखी है। ताई जी हैप्पी दिवाली है बड़ी, हैप्पी दिवाली। अब पकौड़ा सुवीर बनाए चाय दीले और पकौड़ा। तो चलिए अभी पहुंच चुका हूँ अन्य लोगों घर पे, बाकी गबरू और ताई जी रोटी बना रही है और ये हमको बोल रहे हैं कि तुम तब तक लड़ियां लगाओ की बाकी थोड़ी देर में सब लोग आ जाएंगे, उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और आज मेरा खाना इधर ही है कि घर फोन करूँ कि खाना बना देना? अच्छा ठीक है, आज मेरा खाना इधर ही है भाई। तो मैं पनीर, तो पहले लड़ियां लगाते हैं उसके बाद पनीर मैं बनाऊंगा भाई, ये बोल रही कि मैं बनाऊंगी घर पर। हाँ तो इतनी सारी लड़ियां आज हम लेके आ चुके हैं भाई साहब, मेरा घर जगमगाना चाहिए भयंकर। तो गाइस लड़ियां भी लगा लिया है, बाकी जब तक हमने लड़ियां लगाई तब तक सपना भी आ चुकी है, अन्नू भी आ चुके हैं और साथ में आसी भी आ चुके हैं, बाकी ये सारे लोग यहाँ पे तमाशे देखने के लिए बैठ रखे हैं। तो हमने लड़ियां पूरी तरह से लगा दी है, जैसे हमने अपने घर में लगाई थी वैसे ही इधर लटकाई हमने। तो अन्नू ने लाइट बंद कर दी है, 1 2 3। तो लड़ियां लगाने के बाद अन्य लोगों घर कुछ इस टाइप का दिख रहा है भाई, जो कि काफी मस्त लग रहा है। तो चलिए केक लेके भी हम बाहर में आ चुके हैं, बाकी इस टाइम का जो केक ला रखा है वो बहुत छोटा केक ला रखे भाई हम। केक लगाने चक्कर में मोई मोई वाह। यहाँ पे चल रहा है गबरू का फोटो शूट और अन्नू हेल्प कर रहा है भाई उसके सिर पे लड़ियाँ लगाने। अबे लड़ियाँ घर पे लगाने के लिए होती है, सिर पे लगानी थोड़ी होती है। तो केक भी कट हो चुका है, बाकी सपना अब सबको केक बांट रही है, साथ में मैं जो समोसे लेके आया था ना ये भी बांटने हैं भाई अभी, बाकी अब हमने समोसे भी बांट दिए। और मैंने बताया था कि जहाँ से मैं समोसे लेके आता हूँ ना वहाँ बहुत टेस्टी समोसे बनते हैं भाई। कैसे हो रहे भाई समोसे? अरे मैं लिटरली पूछ रहा हूँ भाई, बहुत अच्छे हो रहे। सपना कैसे हो रहे? ये तो यहीं पे बैठ गए भाई, ये देखो नहीं रही। क्या आ गया भाई, ज्यादा टेस्टी हो रहे क्या? कैसे हो रहे समोसे? ताई जी कैसे हो रहे समोसे? बढ़िया। अन्नू भाई समोसे कैसे हो रहे? ओए समोसे कैसे हो रहे? तो सबने समोसे भी खा लिए और केक भी खा लिया, बाकी ये सब बोल रहे हैं कि आप डांस करेंगे की। हाँ मैंने बताया था कि कोटी में जहाँ से मैं समोसे लेके आता हूँ ना। कैसे हो रहे थे समोसे? देखो भाई प्रणाम करने जाए। Thank you.
तो चलिए डांस भी कर लिया हमने, बाकी समोसे जो मैं लेके आया था ना उसमें से इतने बच रखे हैं भाई, हमें उम्मीद थी कि बहुत आएंगे बट 15 हमने समोसे ला रखे थे और 15 में से इतने बच चुके हैं भाई। बाकी ताई जी ने हमारे लिए खाना भी लगा लिया है और खाने में आज बनी है मटर और पनीर की सब्जी जो कि अन्नू ने बनाई है भाई। ये वाला अन्नू ने, बड़ा वाला अन्नू, बड़े वाले अन्नू ने बनाया भाई जो हमारे यहाँ बनाता है। तो ताई जी लोगों ने उसको भी बोला था खाना खाने के लिए बट उनके यहाँ मच्छी बन रखी है जिसकी वजह से वो घर चले गए। तो खाना खा के अभी मैं आ चुका हूँ घर पे और रात के बज रहे हैं 10:30। तो चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसे सपोर्ट बनाए रखे। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।